ये सब कुछ होगा यहां उसके साथ। ऐसे जूते खाएगी वो, हमारी नाजों की पाली बेटी हमने यहां पर जूते खाने और बेइज्जत होने के लिए भेजी है क्या? कर भी कह सकते, बहू है वो उनकी, लेकिन हमारा भी कोई हक है उस पर। जिस पर हक है वो हमें अपना माँ बाप ही नहीं मानती। तो वकास हमें तो नहीं भूलना चाहिए ना कि वो हमारी बेटी है। वो उनका खून है। तो क्या खून के खून हम खून होने का इंतजार करेंगे? आप भला कोई ऐसे भी करता है अपने खून के साथ? मेरा बस चले तो मैं उसे अभी के अभी लेकर यहाँ से चली जाऊँ, बाद की बात में देखी जाएगी। ऐसी बातें मत करो जो हमारे बस में नहीं है। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए वकास, आपको बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए किसी से। सलमा भाभी के आगे कौन बोला है? वो किसी की सुनती कब है? बोले भी तो क्या, गलती तो हमारी अपनी बेटी की है ना। हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर वो उनके मिजाज को नहीं अपना पा रही तो क्या कसूर है उसका उसमें? जो कुछ उसने सहा है ना वो इन सबसे कहीं ज्यादा है। ये क्या बात हुई भला कि भरी महफिल में सबके सामने उठाकर थप्पड़ मार दिया उसे? इस तरह तो कल को उसके साथ कुछ भी कर सकती है, जान से मार देगी और हमें उसकी लाश भी नहीं दिखाई। अनिला, तुम मेरब के लिए कह रही हो? तो क्या कहूं, जो देख रही हूं वही कह रही हूं मैं। आप बात क्यों नहीं करते उनसे? भी बेगम से बात करना तो खुद को आईना दिखाने के बराबर है। तो अनवर भाई से बात करें, उन्हें कहें जिसे बेटी बनाकर हमसे छीन कर लाए थे, बाप बनकर उसे बाप की छांव भी दें। फिर क्यों भाभी बेगम के आगे डाल दिया? ऐसे सबके सामने थप्पड़ मारते, मेरी बच्ची को तो मैंने कभी फूल से भी नहीं छुआ।